और एक बहुत तगड़ा ब्लंडर हो गया, मिलोन भाई ने समझ लिया 21 बजे मतलब 11 बजे, जबकि 9 बजे की थी इनकी फ्लाइट और हम 9 बजे एयरपोर्ट पे आए। और आज जो है जान हलक में ही आ गई थी क्योंकि मेरा वॉलेट खो गया था। पहन अभी तो भी एक अच्छा भी तो लोअर बिना अच्छी गई पहन रख। मिलन मिलन अरे ढोल लगाड़े बजा दे। चले चले खाना खाने चलो लंच करते हैं। सुन रहा था ध्यान से की वीडियो है ना, ये हालत आज की। तुझे पता मिलन ने सुबह वीडियो लिखी उठ के और रिकॉर्ड भी कर दी जब तक हम सो के भी नहीं उठे। और मेरे से लेट सोया, बस सिस्टम ही है मिलन भाई का। नहीं पैसे कमाए जाते भाई। देख एक अगर बंगाल आके फिश ना खाई तो कुछ नहीं खाया। ये कौन सी है वो मीट छोड़ दिया, मेरा मीट कभी नहीं छोड़वाने का। ये भी चिकन है, इधर इधर है वेज। काफ़ी हैवी लंच करने के बाद विक्टोरिया मेमोरियल देखने निकले, ऊबर एक्सेल में बैठ के 6 लड़के। अभी ये भी नहीं पता कि शायद जब तक हमने एंट्री ना बंद हो जाए। भैया को मिला के सही हो गए ना। और मिलन भाई ने कोठी बंगले वाले लोगों की तरह सिर्फ सैलड खाया। ये सारे जितने भी लोग मिले हैं दोस्त वो कम खाने वाले क्यों मिले हैं? यस भाई क्योंकि यार वो थोड़ा कोठी बंगले वाला लड़का होना मैं। बचपन में समझा करो था कि ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल में क्या फर्क है। फोटो में दोनों बहुत सिमिलर लगे थे, हालांकि बहुत अलग हैं। आपके लिए थोड़ा मुझे लग रहा है बड़ा है, ताजमहल से तो बहुत बड़ा है। लेकिन आज हमारी किस्मत इसलिए खराब है कि ये बंद है, आज इसमें एंट्री नहीं है। म्यूजियम बंद है अंदर, मतलब सारा बंद है, अंदर भी नहीं जा सकते। बस पार्क में घूम सके आज, बाहर बाहर से देख सके। पार्क में तो साला दिल्ली में घूम लेते हैं, वही बात है। सीपी के सेंट्रल पार्क में घूम लेते हैं, इससे बढ़िया। तो ऐसा ही हमारे साथ मुंबई हुआ था, जब हम मुंबई गए थे वो भी बंद मिली थी हमें केव। एक आध दिन के घूमने में यही होगी, 10 जगह तो बंद रहे। हकाड़ा ही हो जा। पार्क में घूम लिया मैं तो, पार्क में पता नहीं जिंदगी में कब आया। कंपनी गार्डन में गया था मुझे फंडागर। अभी जो रे की टोपी के पीछे बिल्डिंग दिख रही वो कोलकाता का सबसे महंगा वो है, मतलब रहने के लिए फ्लैट्स वहाँ पे। एक तो सबसे ऊंची है और विक्टोरिया मेमोरियल जो है दिखता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 30 या 35 करोड़ से स्टार्टिंग बता रहे थे घरों की है। क्यों लूटेगी ना? मुझे भी ये कन्विंस नहीं कर पाए। विक्टोरिया थोड़ी दिखेगी महली बताओ। आज तो मूडी ऑफ हो गया, इतनी दूर आए यार यहाँ। ये बंद है मंडे के दिन, हिस्टोरिकल प्लेसेस बंद रहे हैं। मंडे को खुलना चाहिए एक्चुअली, खुलना चाहिए यहाँ। मैं क्या कह रहा कि होटल पे चल के पूल पे लो तो चलेंगे आज, है ना। आज अगर पूल ना गए तो होटल के पैसे वसूलने हैं मिलोन भाई। और यहाँ पे यार उमस है बहुत ज़्यादा, यहाँ का मौसम मतलब ना तो गर्म गर्म हवा नहीं चलती इधर। और उमस बताओ लोगों की आपकी उमस, ह्यूमिडिटी जैसे जैसे, मतलब जो बॉम्बे वाले वैसे तो होंगे नहीं सब्सक्राइबर, बट जैसा बॉम्बे में रहना मतलब सांस आने में दिक्कत हो रही है, ये समझ सके। ऐसा लगेगा हम धूप नहीं है और वो नहीं है, बट आपको गर्मी लग हो जाएगी। वैसे बताइए दिया ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब वही तो इलेबोरेट ह्यूमिडिटी कर दिया। कुछ कुछ ऐसे हो हमारी तरफ वालों को भी कुछ बात से पता नहीं होती हमारी, जो हम कहते हैं। मेरा तो मन ये है कि पूल में जाके नहाया जाए होटल पे। अरे यहाँ नाना मना है, बोर्ड पर लगे लिखा तो हुआ। अरे उस टाइम थोड़ी मना होगा, उस टाइम मना नहीं होगा, उस टाइम तो उन्हीं का सिस्टम चल रहा होगा यहाँ। यार ये तो जो है काफी ब्यूटीफुल है इधर पार्क में बैठ के, और नाइस यहाँ पे बैठ सकते हैं। पर यार मौसम नहीं है ना, हवा चल रही होती तो बैठती भी। तो यहाँ पे कौन कौन सी जगह है हमारे पास ऑप्शन में बची? प्रिंसेप घाट, हावड़ा ब्रिज, प्रिंसेप घाट से ही होगले ब्रिज पूरा दिखता है। फिर अच्छा। लाइक 42 के सामने भी जा सकते हैं, पार्क स्ट्रीट है बहुत जगह। पार्क स्ट्रीट कितनी दूर है सर? 10 मिनट। ये मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मुझे फंडनगर के आप कहते हैं ना गोल मार्केट घूम लो या घूम। मेरे हिसाब से जो तुम घाट बता रहे हो मुझे उसमें कुछ स्कोप नजर आ रहा। घाट में ना मुझे शांति की जगह लग रही घाट, शमशान घाट। छाव है या धूप में ही खड़ा होना पड़ेगा? छाव तो है लेकिन कपिल ज्यादा होता है उसमें। डिप्रेशन में ले जाओगे कपल को, फ्री एंट्री है क्या वहाँ पे? एक कपल तो है तुम अपना देख लो। ये वाले कपल भी है लेकिन डिप्रेशन घाट पे ही चल गया। जू चलो गया सबसे बढ़िया तो एयरपोर्ट चलो। किसी ने छिया भी वर्दी किया भाई।
से सबसे टफेस्ट फोमो पार्ट है वैसे अभी अगर मैं गुदगुदी कर दूं तो टैलेंट तो है, बहुत ही सही ब्रेक डांस के मूव कर रहा है लड़का, मतलब तुझे पता मिलन है अबे हाँ कभी मिलन और इन वाले भैया को साथ देखा वही है मिलन ही बैटमैन है पर यार ये देख रहे धूप में भी खड़े रहना पड़ता होगा और पूरे दिन है। बस वही है मिलन का है मिलन ही तो बन रहा हो मिलन और इन वाले भैया को साथ देखा वही हमारा तो कुछ रे ऐसा ले दे जो प्यास बुझा दे मेरी होटल पे मिले ये वो है महावीर चौक वाला ब्रिज, हुगली ब्रिज है, हुगली रात का व्यू यहाँ पे बड़ा सिक लग रहा भाई, लेकिन रात का टाइम है नहीं हमारे पास, रात हमारी फ्लाइट है। रात के व्यू के लिए रुकोगे, फ्लाइट कैंसिल कर लें, मुझे तो लग रहा कर लेना चाहिए, ऐसा वर्थ इट है। और तू बिंज वॉच भी कर सके अपनी वीडियोस, ये रही दोनों चैनल, व्लॉग वाला अच्छा लग रहा। सो भी भाई ने बताया कि कोलकाता में जो प्री वेडिंग शूट वगैरह हुए वो इस लोकेशन पे हुए, क्या मतलब पति पत्नी ट्रैक पे लेट के फोटो खिंचवाए हैं? अभी बहुत आगे पारिवारिक माहौल आपको मिलेगा। अच्छा, थोड़ा वेट कर, कपल्स मतलब ट्रेन के सामने नहीं कराते, इस लोकेशन पर कराते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। आगे काफी सुंदर जो है नज़ारा है, दिखा दूं या रहने दूं भाई? मिलन भाई दिखा दो भाई, क्या मुझे ऐसा लगे कि इतना सब कुछ फ्री में दिखाना चाहिए, यो व्यू देखने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा हमारा। सब्सक्रिप्शन यार वो कर दो, हाँ खरीद के भी देख लेंगे, ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। लुक एट दैट सन यार, ये शिप कितनी बढ़िया लग रही, और ये ब्रिज का व्यू, बोट्स, अच्छा बोट्स कितनी सारी है यहाँ, जिंदगी खराब करवा दिया लीक कर दी। ये तो वही वाला व्यू है, समुद्री लुटेरे, क्या ड्रोन चल रहा है, ड्रोन प्राइवेसी इशूज है ना, सिक्योरिटी, ऊपर से फ्रेज देखे है कहाँ कहाँ को आ सके, मैप बना दे आप लोगों को कॉलोनी में उड़ाने के लिए लिया होगा। नहीं हम तो वहाँ गए थे थाईलैंड, तो वहाँ से सस्ता था तो हम तो वहाँ से ले आए। यार आप पता भी नहीं कहाँ रखा हो, पता नहीं। और यहाँ पे बोट्स पे सोलर पैनल क्यों है भाई? भाई क्योंकि इसमें ना लाइट जलते है रात में, तो रात में तो रोशनी मिलती नहीं होगी ना, या ये चार्ज करते होंगे दिन में इसको, जो उल्लू को पकड़ के रात में तो भी तो चलेगी, दिन में चार्ज हो गए तो आप बुक भी कर सकते हो डिनर डेट्स के लिए। लेकिन वही है, कोई दिख रहा है, मैं और मिलन जाएंगे डेट पर, दोनों तैयार है, मना कोई से नहीं कर रहा। तो भी तारामंडल जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि शो शुरू हो चुका था 5:30 बजे, और अब हम अपने होटल के पूल में जाके लेटेंगे, अगर फुल रहा होगा मच्छी बनेगा पूल में, फुल रहा होगा तो, क्योंकि आज सब कुछ बंद ही होता रहा जा रहा, जहाँ भी हम जा रहे हैं आज पूल में था पत्थर बांध के ऐसा तैरवा दूंगा। ऐसी फैंटेसी है रची थी तेरी? मेरी है, बंगाल की सड़कों पर उतार के मारूंगा, सड़कों में मारा गया पटड़ी पे मारा, सोते ही रहते हैं बस भाई, दिन शाम पता नहीं कैसे काम करते, कैसे वीडियोस बनाते हो। 4 बार सोऊं मैं, मुझे भी पता नहीं लगता काम सारा आगे साथ गिरे, हर हफ्ते वीडियो ऐसा। थ्री स्टार होटल, अभी रूम से सामान उठा के सीधा पूल में कूदे, और आज जो है जान हलक में ही आ गई थी क्योंकि मेरा वॉलेट खो गया था, फिर पता लगा कि यहीं पे रिसेप्शन पे रह गई, फिर पता लगा कि जहाँ बुफे करा था वहां रह गया था, उन्होंने उठा के रख लिया, डिसेबल्ड है मेंटली। अभी हम लोग पूल पे आए थे नहाने, और सिर्फ 10 मिनट नहाने के बाद ही हम चल दिए क्योंकि एक तो फ्लाइट का टाइम हो गया, और दूसरा पूल में मजा भी नहीं आया यार, कुछ मजा नहीं आया, मैंने कहा इससे बढ़िया तो अपने रूम में ही लेट ले रहे, नमकीन हो गए क्या पूल में नहा के, कुछ इतना ज्यादा मजा नहीं आया यार, फन कहाँ बढ़ गए, अरे तो दे रहा है भाई। तो चेकआउट करने का टाइम आ गया, और होटल रूम में ऐसी स्मेल आ रही है कि जैसे कोई आग का भाग गया हो, यही कैसे करूँ चेकआउट, एक उज्ज्वल नहीं है, मिठाई छोड़ रखी है, सुबह से रखी है, गिल्ले कच्चे रखे हैं, पता क्या अक्षित एक शॉर्ट्स वो दी उधार, तो अक्षित ने वो बिना कच्चे के पहन ली,
मैंने किसी तरह पता लगा लिया वो शॉर्ट्स सही दी थी गिना था उन्हें देख के भी तो ऐसे तो कुछ नहीं यार मजा आ रहा लेकिन मजा आ रहा है हवा हवा ये चलो निकल रहा भाई मिलन भाई का सही है ये अपना छोटा बैग एक पीछे वैसे इतने कपड़ों की जरूरत पड़ी नहीं जितने हम बड़े बैग लाए मैं तो दो जोड़ी पहने बस मैं तो पैंट भी चेंज नहीं करी शर्ट दो से डाल ली बस है मैं तो और क्योंकि पूल में भी नहीं नहाया इसलिए अच्छा भी नहीं बदला मैंने अच्छा पूल में ना के भी ओटीपी बता दी पूल गिल्ला ही पहन रहा ठीक है भाई 3994 मैं कुछ भी बता दूं तो मान क्यों लो यार ये बहुत गलत बात है उसका कपड़ा उसके बदन से चिपका हुआ है और एक बहुत तगड़ा ब्लंडर हो गया मिलोन भाई ने समझ लिया 21 बजे मतलब 11 बजे जबकि 9 बजे की थी इनकी फ्लाइट और हम 9 बजे एयरपोर्ट पे आए हैं लेसन लेना पड़ेगा भाई बहुत क्रॉस चेक करने की जरूरत है ऐसी किसी यार अच्छा बैठ के गया वो मैं फिर से यार रूम पे मैं फिर कल जाऊंगा या फिर ट्रेन देख लूंगा या फिर राजधानी कोई मिले तो हमारी जो है सुसु आ रही थी और पहले तो मैं विकलांग वाले में घुस गया था फिर पता लगा मैन वाला थोड़ा आ गया उधर गए तो उधर वो बंद है बोर्डिंग का टाइम बस समाप्ति होने वाला और रचित फोन नहीं उठा रहा न्यूज बॉय के बाद रचित की फ्लाइट छुपने वाली बस कहाँ कहाँ जा रहे कितने भी मैच्योर हो जाओ लेकिन इस बेल्ट पे बैठने की अर्ज कभी नहीं जाने की मुझे इस बेल्ट के साइड में खड़े हो गए जो सरदर्द हुआ है ना सो गाइस एंड मेन वी हैव रीच्ड दिल्ली दिल्ली के पोल्यूशन में जो मज़ा है वो और किसी शहर में नहीं है कुछ भी कितनी भी गालियाँ दे लो लेकिन अभी रात के लगभग 2 बजे हैं 2:18 हो रहे हैं ना और अभी हम 3:30 बजे तक फ्लैट पहुंच जाएंगे हद से हद 3:15 तक फिर सोएंगे फिर सुबह रे का एक रिएक्शन रिकॉर्ड करके और निकलेंगे घर की तरफ ओ ये निकल रखा तुमने ये जैन मलिक वाली चैन है जैन मलिक भी पहनने ऐसी जैन मलिक हाँ ये सबसे ज्यादा एंग्जाइटी वाला टास्क है यहाँ से आके कैब बुक करना यहाँ इतनी सारी कैब्स ने इतना रश रहे हर वक्त किसी एयरपोर्ट पे कि सिरदर्द ही होता है और एक बार कैब बुक करो तो मिलती नहीं है कि इन्होंने उबर पॉइंट बना दिया जो टर्मिनल 3 से कहीं बहुत दूर पड़े जाके कुछ कैब वहाँ मिलती हैं कुछ यहाँ कंफ्यूजन हुआ रहा है बहुत ज्यादा इतनी गाड़ियाँ हैं अब इनमें कहाँ ढूंढने अपनी कैब्स को कम से कम भी 100 गाड़ियाँ गाड़ियाँ क्यों हैं सब कैब्स का अलग कलर होना चाहिए था